तो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अभी तक तो आपको डूमन के लाइनअप के रिगार्डिंग लीक्स पता ही होगा कि कुछ दिनों में ही हमें उनके लाइनअप का फेयरवेल होता हुआ देख सकता है। एंड अभी कुछ ऐसे भी लीक सामने आए थे कि क्लच गॉड एंड गिल दोबारा से डूमन के रोस्टर में ही साइन करेंगे। बट अभी लेट्स ग्रो ईस्पोर्ट्स के साइड से एक ट्वीट देखने को मिल रही है जहाँ पे उन्होंने यही लिखा है कि डूमन रिलीज देयर बीच माय रोस्टर, क्लच गॉड, जी गॉड एंड गिल में स्टे देयर। इट मींस ये भी यही बता रहे हैं कि क्लच गॉड एंड गिल दोबारा से डूमन के लाइनअप ही ज्वाइन करेंगे विद ऑल्सो जी गॉड। एंड वही अभी कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि शैडो में भी निंजा जॉड के साथ ही टीम एक्सपर्क ज्वाइन करते हुए दिखेंगे। एंड गॉड लाइक लाइनअप में जोनाथन, जेली, मैक एंड आदित्य दिखने वाले हैं। सो इन में से कितने लीक्स कंफर्म होते हैं ये तो आगे ही पता चलेगा। बट क्या आप इन सारे चेंजेस से सेटिस्फाइड हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अब फिलहाल देख लेते हैं गॉड लाइक प्रीवियस मैचेस के कुछ हाइलाइट्स। गॉड डाउन काफी आसानी से नॉक किया, काफी आसानी से फिनिश भी कर देंगे, बट हाइड्रा के स्प्रे गॉड को डाउन किया जाएगा गॉड लाइक आदित्य के द्वारा। अच्छे होंगे कौन सा प्लेयर कहा जाएगा धीरे धीरे हमें पता चल रहा है। लेकिन इसी बीच एक और चीज पता चली कि डोरो ओपी को आदित्य ने डाउन कर दिया। करेंगे निंजा बॉय को कंफर्म करेंगे वार द्वारा। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स सर्कल के अंदर एक खिलाड़ी को उतारा, मावी को राइट अवे कंफर्म भी कर दिया गया है गॉड लाइक द्वारा। लेकिन उन्होंने रीड कर लिया, उन्होंने अगर उनको अंदाजा लग चुका है कि उनके जो कॉम्पिटिटर है जो उनसे ऊपर नजर आ रहे थे ऊपरी क्रम में क्या वेलमेट हो चुके। बट फिलहाल के लिए आज तो दूर है यहाँ पर आदित्य, पहले उन्हें मावी को करा था नॉकआउट, अब टीटी के मैक्सी ओपी को भी कर दिया यहाँ पर नॉकआउट। काफी महान आए थे, अभी भी पीछे है गाड़ी के, शॉट दिए जा रहे हैं, डीबीएस का पटाखा नहीं कर पाए कनेक्ट। आदित्य और जेली बहुत ज्यादा मुश्किल में, जेली भी डाउन हो चुके हैं, आदित्य अकेले खिलाड़ी बचे हैं, गोना गो फॉर द क्लच सेंसेट। तो रेकनिंग लेफ्ट साइड पे है, मिल गया है एंगल, आउट गोज टीम गॉडलेस।